तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कैमरा स्टिकर सेटिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग पर क्लिक कर लेना होगा। तो क्लिक कर लेते हैं, कैमरा सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको दिखा रहा है टाइम लैप्स है और पैट्रोन है, स्टिकर है, जो हमारा आज का टॉपिक है आप देख सकते हैं स्टिकर है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही इससे क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि स्टिकर से ये आप देख सकते हैं मैंने स्टिकर ऑन कर लिया है। स्टिकर से क्या होता है, आपको आप इस पर फोटो पर स्टिकर लगा सकते हैं। सबसे पहले ऑन करने के बाद इस पर इस साइड से क्लिक करेंगे स्टिकर पे, ये आपके सारे बहुत सारे स्टिकर आ जाएंगे। ये देखिए, तो आप इसमें से कोई सा भी स्टिकर जो है फ़ोटो पर लगा सकते हैं। फ़ोटो क्लिक करते समय जैसे कि ये है जो कि शादी का मुकुट होता है, तो इस पर हम क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अभी कोई पीछे मेरे बैकग्राउंड में फेस वगैरह कुछ है नहीं, तो इस तरीके से ये इसलिए काम नहीं कर रहा है, वरना मैं आपको दिखाता कि फ़ोटो क्लिक करके किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।